आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड जैश कमांडर कामरान और गाजी राशिद ढेर, कश्मीर में फिर पत्थरबाजी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार, चर्चित हस्तियों को दिया जाता है ये सम्मान। मध्य प्रदेश विधानसभा में शहीदों को श्रद्धांजलि, आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। प्रभात झा का बयान, 542 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मोदी के प्रतीक। और अशोकनगर में ऑटो से ट्रक की भिड़ंत, ऑटो सवार सभी 6 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के कमांडर कामरान और गाजी राशिद को उनके आतंकी साथियों के साथ ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने उस मकान को बम से उड़ा दिया जिसमें ये आतंकवादी छिपकर फायरिंग कर रहे थे। मुठभेड़ में एक मेजर समेत सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 2 अन्य घायल हुए हैं। इस दौरान एक नागरिक के मारे जाने की सूचना है। मुठभेड़ को देखते हुए इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इन आतंकियों के मारे जाने के बाद घाटी में पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पुलवामा के पिंगलान इलाके में यह मुठभेड़ चल रही थी। आतंकी अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां छिप रहे थे। जिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई उनमें पुलवामा से जुड़ा जैश का बड़ा कमांडर कामरान भी था। शुरुआत में इस आतंकी ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे फिर घेर लिया। पुलवामा में ही गुरुवार को सीआरपीएफ के एक काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें अर्धसैनिक बल के कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज किया और सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। कामरान मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था। पुलवामा आतंकी हमले की पूरी जिम्मेदारी कामरान को सौंपी गई थी और इसी हमले को अंजाम देने के लिए वह सीमा पार से कश्मीर आया था। जैश में शामिल होने के बाद से वह कश्मीर में आता जाता रहा है। वह मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अवंतीपुरा और त्राल में सक्रिय था। शुरुआत में इस आतंकी ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे फिर घेर लिया। देर रात से जारी मुठभेड़ के दौरान कामरान और उसके साथी एक बिल्डिंग में छिपकर जिसे सुरक्षा बलों ने विस्फोट से उड़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होंगे। 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें 22 फरवरी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी को यह सम्मान दुनिया को मोदीनॉमिक्स, मोदी सिद्धांत और एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई थी। हर दूसरे साल दुनिया की चर्चित हस्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण कोरिया भारत का सामरिक और अन्य क्षेत्रों में अहम साझेदार रहा है। पीएम मोदी अपने दौरे में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति समेत अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब वित्त मंत्री तरुण भनोट अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआती 4 महीनों का खर्च चलाने के लिए लेखानुदान 20 फरवरी को पेश करेंगे। विधानसभा में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी नेताओं ने आतंकवाद से लड़ने की बात कही। श्रद्धांजलि के बाद सदन में आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन में आतंकवाद के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने निंदा प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। देखिए, पुलवामा में जो घटना घटित हुई है, सीआरपीएफ के 44 जवान हमारे मृत्यु को प्राप्त हुए, स्वर्गवासी हुए हैं। लगातार और भी घटनाएं हो रही, जैसे कल की घटना है उसकी भी सूचना है।
जिसमें एक मेजर भी हताहत हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो है हम सबको द्रवित करती हैं, मर्माहत करती हैं, हम सबके लिए क्षुब्ध करती हैं। और इस कारण से मध्य प्रदेश की विधानसभा से एक स्वर से ये बात दिल्ली तक पहुंचना चाहिए और पाकिस्तान तक पहुंचना चाहिए, आतंकवादियों तक पहुंचना चाहिए कि वो कितना ही कुकर्म कर लें, कितना ही दुष्कर्म कर लें, कितना ही कुछ भी करें, लेकिन देश की जनता उनके इस दुष्कृत्य के लिए या उनकी कायरता के लिए स्वीकार नहीं करती है। उसके लिए देश की जनता हमारी सेनाओं के साथ खड़ी हुई है। आज सर्वसम्मति से सदन के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे सदन ने सर्वसम्मति से आतंकवाद के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की तरफ से वहाँ नम श्रद्धांजलि उनको दी गई। सदन के सभी जो सदन के नेता भी सभी ने, लेकिन एक सवाल है हमारा कि 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तो लाहौर पे जाके तिरंगा झंडा हिंदुस्तान की सेना ने गाड़ दिया था। 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का निर्माण हो गया और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों से सरेंडर करवा लिया गया। जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह जी नेतृत्व में, तब भी लोहे के चने चबवा दिए थे पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान को। लेकिन जिस प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले कहा था कि हम एक शेर के बदले हम 10 शेर लेके आएंगे, हम 56 इंच का सीना है, तो आखिर ये जुमले हैं या कोई एक्शन होगा? हमारा कहना है बोल बहुत हो गए तो हो। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य सरकार वार्षिक बजट पेश नहीं कर रही है, इस कारण लेखानुदान लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पेश होने वाला लेखानुदान अब 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब खबर राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि लोकसभा की सभी 542 सीटों पर मोदी का प्रतीक चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा मीडिया अपनी गरिमा बनाकर रखे और खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करे। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने से नाराज नजर आए। उन्होंने पत्रकारों से कहा मीडिया की गरिमा को बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि लोकसभा की सभी 542 सीटों पर मोदी का प्रतीक चुनाव लड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि उनका प्रतीक सब जगह चुनाव लड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं, मैं मीडिया का दोस्त हूं, मीडिया के साथ रहा हूं, मीडिया में ही रहा हूं। किसी बात को तोड़कर प्रस्तुत करके आप खबरों में बहुत बड़े पत्रकार नहीं बन जाएंगे। मैंने कहा था 542 चेहरे पर भी एक ही चेहरा होगा, नरेंद्र मोदी बना मान्य होंगे और इसलिए गुना से भी नरेंद्र मोदी ही। मेरी भावना क्या थी और क्या प्रस्तुत किया, मैं हाथ जोड़ के पत्रकारों से निवेदन करता हूं, अपनी गरिमा आपकी गरिमा खबर पालिका की है उसको बचाए रखें। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रभात झा ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों का सिविक सेंस लगभग समाप्त हो चुका है। मोदी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो नागरिकों को दोबारा सिविक सेंस लौटाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मोदी ने इसका प्रमाण संसद में पहले दिन ही संसद की सीढ़ियों के आगे नतमस्तक होकर दे दिया था। उसी दिन से देश में एक नए बदलाव की शुरुआत हुई। ये थे प्रभात झा, पुराने पत्रकार हैं और अपनी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। इनकी खबर को भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया जिसके बाद उनका गुस्सा होना लाजमी था। अब एक खबर आ रही है अशोकनगर से। करीला माता मंदिर से शादी समारोह में हिस्सा लेकर लौट रहे ऑटो में सवार 6 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई।
वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। अशोकनगर में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करीला माता मंदिर में आयोजित शादी समारोह में हिस्सा लेकर तेजी गांव के 6 लोग ऑटो से लौट रहे थे, तभी विदिशा रोड पर सामने आ रहे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। यह घटना भादौन चौकी क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार ऑटो में 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 पुरुष 2 महिलाएं थी। सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक चालक और उसके वाहन की तलाश में लगी हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि इस बार हमने लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। विधायक दल की बैठक में इस बारे में राकेश सिंह ने विधायकों से चर्चा की। भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। अभी हमारे पास 29 में से 26 सीटें हैं, लेकिन इस बार चुनाव में 29 के 29 सीटें हम जीते, इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का क्या रोल हो और लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों को कैसे उठाया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा हुई। राकेश सिंह ने कहा, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। इन सभी मुद्दों को भाजपा सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में पूरे उत्साह और जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक मतें सबसे पहले तो ये निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटें अभी हमारे पास हैं, 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए वो सब अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का स्पष्ट रूप से मानना है, जनहित और जनकल्याण के जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह के जबेरा में अचानक मंडी का औचक निरीक्षण किया और किसानों की परेशानी को साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं जनता की लड़ाई लड़ने का काम जारी रखूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुझे पता है मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन फिर भी जनता की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। प्रदेश में किसानों की हालत बस से बदतर होती जा रही है, जिससे धान और उड़द खरीदने को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। उड़द की राशि भी किसानों को नहीं दी जा रही है। अगर अब भी किसानों की हालत नहीं सुधरी तो मैं सड़क पर उतरकर किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दमोह की जबेरा मंडी का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनी। मैं जानता हूं कि मैं सीएम नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जिंदगी जनता के लिए है, और इसलिए कहीं गड़बड़ होगी, लोगों को दिक्कत होगी, जनता के साथ अन्याय होगा, शिवराज जाएगा, मामले उठाएगा, कहने पर नहीं होंगे तो लड़ाई लड़ेगा, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तो उनको चेता रहा हूँ, भैया गड़बड़ है, गड़बड़ दूर करो, ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है, और जब तक सांस चलेगी मैं पूरा करूँगा। उड़द पहले खरीद ली, अब वापस कर रहे हैं, एक अमानक है, वापस ले जाओ, ये अन्याय है, ये मैं नहीं होने दूंगा, सरकार साफ समझ ले। शिवराज जी, छतरपुर शहर के बीचों बीच चल रही अवैध रेत मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की और 32 रेत से भरे ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। दरअसल प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के बीचों बीच अवैध रेत की मंडी संचालित हो रही है, जिससे वहां आने जाने वाले और रहवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी टीम के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की, जिसमें अवैध रेत से भरे ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया और इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप की स्थिति बन गई। जिले में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो प्रशासन का कहना भी नहीं मानते हैं और बीच शहर में उन्होंने रेत की अवैध मंडी बना ली थी। लगातार ऐसी जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे सब्जी पेट के पास अवैध रूप से ट्रैक्टर रेत के अवैध उत्खनन में लगे हुए अवैध परिवहन करके यहाँ पे स्टोर करते हैं। इस संबंध में आज पुलिस विभाग, राजस्व और माइनिंग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 20 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं और इन्हें ओरछा थाना रोड में भी खड़ा किया गया है। इसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, चालान वगैरह की कार्रवाई माइनिंग विभाग के द्वारा की जाएगी। बैरागढ़ के आरा मशीन रोड पर निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी भी किस्म की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है ये बिल्डिंग बगैर पिलर के बना दी गई और वहाँ के लोगों ने नाले नालियों पर भी कब्जा कर लिया।
इस घटना में बिल्डिंग निर्माण के दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ बड़े स्तर पर लेन देन का सिलसिला चलता रहा था, जो इस आग लगने के बाद सामने आना शुरू हुआ है। इस दौरान जब आग लगी तो वहाँ अफरा तफरी मच गई, जिससे मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और उसने आग पर काबू पा लिया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खबर तो ये भी है कि गलत तरीके से नगर निगम ने इस बिल्डिंग को बनने में भरपूर सहयोग किया और उसके बाद जब बिल्डिंग में आग लग गई तो अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल समय हो गया है कि और ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के एक कार्यक्रम में भोपाल के महापौर और सांसद हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, तो सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। अब इन दोनों नेताओं को जमकर ट्रॉल किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की संवेदनहीनता का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भोपाल के पीर गेट इलाके में पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी सांसद आलोक संजर और भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में हंसते मुस्कुराते हुए पोज दिए। सभा के बाद इन दोनों बीजेपी नेताओं का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन दोनों नेताओं को लोग ट्रॉल कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में जहां एक तरफ गम का माहौल है, वहीं देश के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। संत हिरदाराम नगर में भी कई संगठनों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कैंडल मार्च निकाला। संत हिरदाराम नगर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत विकास परिषद बैंकर्स क्लब ने संत हिरदाराम जी की कुटिया परिसर पर पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आए। प्रदर्शन के बाद शहीद जवानों के लिए मौन रखा गया। घिनौनी हरकत पुलवामा में जो की गई है उसको लेकर आज जहां 42-44 जवानों जो श्रद्धांजलि जवान जो शहीद हो गए हैं उनको लेकर हुजूर एनएस ले लो यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। और ये पाकिस्तान की हरकत बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं सहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारा एक निवेदन है कि इसका तोड़ खून का जवाब खून से ही देना चाहिए। पाकिस्तान की वो किसी भी बात में प्रदर्शन नहीं कर सकता। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आह्वान करना चाहते हैं कि जो 56 इंच का सीना है वो 56 इंच का सीना बोलने की बात नहीं, आप देश से महसूस कर रहा है कि जो 56 इंच का सीना है वो कुछ कर गुजरने की हिम्मत कर रहा है और देश का युवा देश का नागरिक जो चाहता है 56 इंच का सीना है कुछ कर और कुछ देश को करके दिखाए। और आज जो हमारे 44 शहीद हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में सेना से रिटायर कर्नल नारायण परवानी सहित संत नगर के गणमान्य नागरिक विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। चंचल चौराहे पर NUCI और हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। ये लोग बैनर लगाकर केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। अब आपके सामने है जर्जर भोपाली। जिस तरह के हादसे आतंकवादियों ने अंजाम दिए हैं उसके बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौलना लाजमी है। जर्जर भोपाली के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो समझाइश दे रहे हैं कि ऐसे लोग बाज आ जाएं, क्योंकि ईंट का जवाब तो पत्थर ही होता है। नमस्कार, मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो आ जाना इस बार, है ना, मेरा स्वागत करने का वेलकम करने का मन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। आ जाना, दिमाग बहुत बिन्नाडे में मेरा। पुलवामा में जो आतंकवादियों ने जो हरकत किया बता रहे हैं, पूरे देश का है ना खून खोल लिया है, बता रहा हूँ। मेरे मुझे लग रहा है मेरे हाथ में एक गन थमा दो, सरहद पकड़ जाके ना आतंकवादी 2-4 लोगों को निपटाऊंगा इकट्ठा, बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, बता रही हूँ। वैसे समय है ना मोदी जी ने पूरी सेना को छूट दे दी है। इस बार कोई गलती नहीं करना, बता रहा हूँ। एक एक कर को पाकिस्तान के वहाँ जाके अंदर जाके घुस के मारेंगे, जैसे अमेरिका करता है ना, अमेरिका ने ओसामा को निपटाया, वैसे ही हम ये अजहर मसूद और हाफिज सईद इनको जाके है ना निपटाएंगे इस बार, बता रहा हूँ मैं।
और इस बार है ना सारी विपक्षी पार्टियाँ एक हो गई, ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। वही 56 इंच वगैरह है ना, ये बातें छोटी मोटी बातें हैं ना, बंद कर दो। हर आदमी को इस समय 56 इंच का हो जाना चाहिए, बता रहा हूँ। ये देश की एकता का सवाल है, अखंडता का सवाल है, देश के स्वाभिमान का सवाल है। हाँ, इस समय सबको एक हो जाना चाहिए, बता रही हूँ। वो ये छोटवाइये नेता है ना, ये फेसबुक ये नेता है, इनसे मैं रिक्वेस्ट कर दिया हूँ, ये है ना छोटी मोटी बातें हैं ना, बंद कर दो। उल जलूल पोस्टें डालना बंद कर दो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, बता रही हूँ मैं, ये देश की बात है। देश एक जवान बनाने के लिए माँ बाप को कैसा कलेजा कट्टर करना पड़ता है, कड़ा करना पड़ता है, तब जाके एक जवान बन तैयार होता है। हैं, और वही आके सरहद पे जाके शहीद होता है, उन माँ बाप से जाके पूछो, किसी का खून है बहता है, उनसे पूछो जाके क्या हालत होती है, बता रहे हूँ। बहुत दिमाग ख़राब है मेरा इस समय। और ये लोकल नेता हुर्रियत पुर्रियत है ना, इनको इनको भी समझा दो, ये बहुत हो गया। ये लोकल गद्दारों को समझा दो, बता रहे हो इनको, ये ना जेल में ठूसो। ये ISI से पैसा लेते हैं और यहाँ का भी पैसा खाते हैं, यश कर रहे हैं। और इनके बच्चे हैं ना विदेशों में पढ़ रहे हैं, किसी का अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का इंग्लैंड में पढ़ रहा है, बता रहा हूँ। इनका है ना पैसा वैसा बंद करो, इनको जेलों में ठूसो, बता रहे हैं। और ये छोटे मोटे बच्चों को जो इनोसेंट है बेचारे, उनको है ना पत्थरबाज बना रहे हैं, उनसे पत्थर फेंकवा रहे हैं, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ये देश के गद्दार को ठूसो अंदर, बता रही हम। वही न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ो भैया, इन्फॉर्मेशन दो प्रॉपर। ये वहाँ है ना बॉर्डर पे, बॉर्डर मत बनाओ स्टूडियो को, वहाँ बैठ के ये ऐसे ऐसे मुँह करते हैं, बता रहा हूँ। हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दो ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, वो ठीक है देश के लिए, बता रहा हूँ। इस समय देश का है ना खून खोला हुआ है, पूरा देश है ना बहुत रोष में है, बता रहा हूँ। दिमाग ख़राब हो रहा है पूरे देश का। इस बार पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, इसको बता रहा हूँ, इसको मिटा देंगे। हाँ, अब ज़्यादा मेरा दिमाग पिन्नाडे में है, बता रहा हूँ। अब ज़्यादा मैं आज इतने काफ़ी है। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।